हाँ तो वही बात है ना, सब बात बोलना होता है। वही मोशन क्या होता है, मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। देखो जैसे पोजीशन का बात होता है, ये कौन सा एक्सिस कहलाता है, एक्स, ये वाई और ये जेड, थ्री डायमेंशनल एक्सिस। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इस एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट इस वाई एक्सिस पर है, एक ऑब्जेक्ट इस जेड एक्सिस पे है, ए बी और सी। ठीक है, इस ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0.1, सॉरी 1.0 है इसका, 0.1 है, इन्हीं दोनों पे ही बात करते हैं। 1.0 का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस पे 1 पर है और वाई एक्सिस पे नहीं है। अब मान लेते हैं ये टाइम t1 पे इस कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, थोड़े देर के बाद जब टाइम t2 हो जाता है तो यही ए वाला पोजीशन अपने कोऑर्डिनेट को 2.0 कर लेता है। तो क्या इसको हम मोशन में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। अगर यही चीज़, यही ऑब्जेक्ट t2 पर भी 1.0 कोऑर्डिनेट पर भी रहता है तो क्या ये मोशन में होगा, क्या नहीं होगा। सेम पैटर्न वाई एक्सिस में, सेम चीज़ एक्स एक्स जेड एक्सिस में। तो मोशन का डेफिनेशन होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। और अगर समय के साथ साथ अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं लाता है उसको किस में बोलेंगे, रेस्ट में। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। मोशन से रिलेटेड दो तीन इक्वेशन आता है बता दो, मालूम ही होगा, सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं अभी। पहला वी इज इक्वल टू यू प्लस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। बताओ यहाँ पर कौन क्या है, वी क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, अच्छा कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है इनिशियली रेस्ट में, और ये यहाँ से मूव करके यहाँ को पहुँचा है फाइनली। ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी वी होगी और इसकी वेलोसिटी यू होगी। तो कौन सी वेलोसिटी कितनी वैल्यू होगी बताओ, इनिशियल वाले की वैल्यू कितना होगी। तो कोई भी चीज़ जब रेस्ट से शुरू होता है तो उसका वेलोसिटी क्या कंसिडर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0। क्वेश्चन में आएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, तो जैसे बोलेगा स्टार्ट यानी पहले कहाँ रहा होगा, रेस्ट में, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ इट मीन्स यू का वैल्यू क्या है, 0। अच्छा एस क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। चलो उस पे भी समझा देंगे आराम से। अच्छा ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये सारा जो इक्वेशन है, जितना भी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये अंडर ग्रेविटी है या ऑन लीनियर है। ग्रेविटी के अंडर में ये इक्वेशन मैं लिखा हूँ या लीनियर इक्वेशन, लीनियर है। ग्रेविटी के अंदर जब यही इक्वेशन लिखना होगा, देखो लीनियर का मतलब है कि कोई भी चीज़ ऊपर नीचे वर्टिकल पोजीशन में मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तब ये तीनों इक्वेशन आप लगा सकते हैं। अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस के बजाय वाई में भी करने लग जाए, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, तो वहां पर यही बदल के क्या हो जाता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। हर जगह एक जगह पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब पूछा जाए जी क्या होता है भाई, इसको क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बात, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, फर्क है दोनों जी में। इसका वैल्यू कितना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कभी कभी रफली हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसीडर करते
करते हैं, न्यूमेरिकल में अगर दिया होगा तब करेंगे, वरना 9.8 से ही काम करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? और क्या क्या पढ़े हो भाई मोशन के बारे में बताओ। जो जो चीज़ पढ़े हो बताओ, फिर हम लोग NLM पर आएंगे, क्योंकि बेसिक कितना क्लियर है पहले देखना है मुझे ना। अच्छा चलिए, थोड़ा सा ले लेते हैं बैकअप में। काइनेटिक इक्वेशन, यूनिट डायमेंशन भी पढ़ ही लिए होगे, है ना। चलिए, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन क्या होता है? 1D मोशन, देखो भाई काइनेमेटिक्स ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है बताओ भाई, यहीं से समझो, सबसे पहले तो यही जानो। काइनेमेटिक्स, मेटिक्स का मतलब तो तुम लोग लगा सकते हो, मैथ, और काइन मतलब होता है मोशन। तो जितना भी चीज़ मोशन में है उससे रिलेटेड जितना मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ते हैं वो किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। तो काइनेमेटिक्स एक बहुत मेजर पोर्शन है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा, लगभग फिजिक्स में 12 से 13 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा काइनेमेटिक्स से। एक सिंगल डाउट भी अगर होगा पूछ लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं। तो पहला हमारा सवाल है 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन का बात बताओ क्या होता है, क्या समझते हो इससे? पहले ये बताओ D मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, डायमेंशनल है ना, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल दीजिए वन डायमेंशनल मोशन का, या बताइए होता क्या है। बोलो बोलो। जो लीनियर, लीनियर का क्या मतलब है? अच्छा, जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है वो लीनियर मोशन है। अच्छा, जो वाई पे कर रहा है ये लीनियर है, और जो सिर्फ वाई पे कर रहा है वो, और जो जेड पे कर रहा है वो, तीनों का तीनों लीनियर मोशन है और तीनों का तीनों वन डायमेंशनल मोशन है। एक ही डायमेंशन में, एक्स में जा रहा है तो ये चीज एक्स में ही मूव कर रहा है, वाई में इंटर, जेड में इंटर, जेड वाला जेड में मूव कर रहा है, वाई वाला वाई में मूव कर रहा है, इसलिए ये सारा एग्जाम्पल होगा 1D मोशन। अब एक काम करते हैं, यहीं से हम एक बॉल थ्रो करते हैं और बॉल कुछ ऐसे जाके और ऐसे गिर जाता है। तो अब आपको क्या दिखा है, इनिशियल में एक्स पोजीशन क्या था? 0 0। कुछ समय के बाद मान लेते हैं एक्स पोजीशन हो गया 5,0। अच्छा, क्या ये वाई की तरफ भी बढ़ रहा है क्या? हाँ या ना? तो यानी ये एक्स में भी आगे को बढ़ रहा है और वाई में भी आगे को बढ़ रहा है, तो एक डायमेंशन के बजाय अभी कितना डायमेंशन कंट्रीब्यूट कर रहा है? दो। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल। एग्जाम में आता है व्हेन वी थ्रो अ बॉल देन विच टाइप ऑफ मोशन, अगर एक बॉल को फेंका जाता है तो वो किस टाइप का मोशन? 2D मोशन। एक गाड़ी रोड पे चल रहा है, किस टाइप का मोशन है? ठीक है, तो दोनों चीज पे डिपेंडेंसी, ऐसे 1D 2D नहीं करना है, थोड़ा सा डीप में बात करना है। मान लो कोई आदमी बॉल फेंक रहा है और एकदम सीधा बॉल फेंका, तो क्या वो 2D हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन अगर उसी बॉल को ऐसे उछाल के फेंकता है तब ये क्या होगा? 2D होगा। एक गाड़ी रोड पे चल रहा है सीधा, अब एक पुल आ गया तो ऐसे उठ के जाएगा ना, तो क्या ये अब 1D का एग्जाम्पल है? नहीं। अब ये क्या बन गया? 2D। तो सवाल का जवाब सोच समझ के देना है। तीसरा सवाल है 3D मोशन, ये क्या करेगा भाई? तो तीनों डायमेंशन में मूव करेगा, एट एट टाइम, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। इसका एग्जाम्पल जो है आपको याद रखना है, गैस के मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल? गैस मॉलिक्यूल, या तुम इसमें एरोप्लेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल, जो गैस होता है, मान लो एक डब्बा तुम गैस भर के ले आए हो, अब उस गैस के अंदर गैस का छोटा छोटा मॉलिक्यूल होगा, तो लगातार इधर उधर, ऊपर नीचे, इधर उधर, पूरा इधर उधर,
स्ट्राइक करता है ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो उस मोशन को हम लोग 3D मोशन में कंसिडर करते हैं, या एरोप्लेन जो होता है फ्लाई करता है उसको भी हम लोग कुछ हद तक 3D मोशन में कंसिडर करते हैं। तो ये सब बात है बेसिक, ये सब बात पता है तुम लोग को या नहीं पता है, बोलोगे भाई? पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो लिख लो अगर लिखना चाहो तो। ऐसे मत लिखना, थोड़ा अच्छे से समझ समझ के, है ना, इतना तो अकल होगा, तो थोड़ा स्टार विस्टार बना के लिख लो, 1D मोशन एग्जांपल वगैरह वगैरह क्या होता है, 2 मिनट के अंदर में जल्दी से लिखो। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, बर्ड का उड़ना कौन सा मोशन है? बर्ड जो फ्लाई कर रही है किस टाइप का मोशन? थर्ड क्या होता है? 3D मोशन होता है, थर्ड नहीं होता है कोई, तो ध्यान रखना ये सब चीज। तो नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि कथा कहानी लिखना है, जितना काम का चीज़ है वही डालना है। अब हम तुमको यहाँ पर मोशन का डिफिनीशन लिखवाएं ये कोई ज़रूरी, 3D मोशन क्या होता है तो लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस देन दिस मोशन इज कॉल्ड 3D मोशन, तो ऐसा करने का कोई नीड नहीं है। यहाँ समझा रहे हैं अपने भाषा में, समझ के अपने नोट्स में डालिएगा, तो दिक्कत नहीं है ना? चले आगे, ठीक है, अभी बेसिक पे ही डिस्कशन करते हैं मोशन के बारे में। आइए भाई जवाब दीजिएगा, डिस्टेंस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? बोलो बोलो, लिखना नहीं है बताना है, बताओ क्या होता है डिस्टेंस, बोलो भाई। द पाथ कवर्ड बाई अ बॉडी इज कॉल्ड, पाथ को कवर करना है, ये एक रास्ता है, यहाँ पर एक गाड़ी लगा हुआ है ना, तो ये इतने पाथ को कवर करके खड़ा नहीं है क्या? ये इतने पाथ को कवर करके खड़ा है कि नहीं है? अच्छा, अगर मान लेते हैं ये एक पाथ है और ये गाड़ी यहाँ लगी हुई है और थोड़े देर के बाद यहाँ को पहुँच जाती है, तो ये भी क्या है? डिस्टेंस। तो ये नहीं समझना कि कोई भी चीज़ रेस्ट में रखा है तो डिस्टेंस नहीं है, रेस्ट में है तो भी उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कैप्चर कर रखा है। इस पेन को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ का लेंथ इसने क्या किया, कैप्चर किया है ना, तो ये एक डिस्टेंस होगा। क्लियर है बात? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, किलोमीटर, है ना, बहुत कुछ होता है, जनरली ऐसा यूनिट क्या यूज़ करते हैं? मीटर यूज़ करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस हो गया, नेक्स्ट बढ़िया और शानदार सा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट, बताइए क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू, जैसे मान लेते हैं, समझना, देखो भाई डिफिनीशन वगैरह हम नहीं लिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिफिनीशन पढ़ लेना है, खुद से समझ लेना है। ये मान लो एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, हमको ए से कहाँ जाना है? बी पे। कोई और रास्ता है क्या जाने का? नहीं है, यही एक रास्ता है जो सीधा सीधा आप ए से कहाँ जा सकते हैं? बी पे जा सकते हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 10 मीटर, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर, तो आपका डिस्टेंस आ गया भाई 10 मीटर। लेकिन अगर हम आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछें तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्योंकि कोई शॉर्ट रास्ता है क्या ए से बी पहुंचने का? जी नहीं। तो यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गया? 10।
अभी समझ लो, ये एक पॉइंट है और एक एकदम छोटा सा एग्जांपल है, ए बी और सी, ठीक है भाई। तो ए से बी गए 5 मीटर, बी से सी भी है 5, कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस कितना है बताओ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कोई शॉर्ट रास्ता है क्या ए से सी पे पहुंचने का? नहीं है, यहां से चले जाओ, शॉर्ट हो गया ना भाई, निकाल के देख लो शॉर्ट है कि नहीं। नॉर्मल जोड़ोगे तो 5 5 कितना हो गया 10, और इसको जरा निकाल के देखो तो 5√2 है ना। 5√2 कैसे आया? रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 5√2 को जरा सॉल्व करके देखो, 5 × √2 कितना होता है 1.41, मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स मान लो 6 आया, तो 10 से तो कम ही आया ना। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो जितना भी घूमो सबको जोड़ लोगे तो वो डिस्टेंस है, और जहाँ रुक गए और जहाँ से चले थे उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट दूरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? चलो अब बताओगे जरा, एक क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से गलत है? जवाब दो भाई। अनीता, तुम लोग को समझ में नहीं आया, उससे पूछ रहा, क्या नाम है तुम्हारा? तुमको भी नहीं आया समझ में, बताओ कैसे? डी का मतलब क्या है? इस केस में हमने देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस केस में हमने देखा कि डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कभी ऐसा होगा क्या कि डिस्टेंस छोटा हो जाए डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो कभी भी बड़ा हो नहीं सकता है। यानी करेक्ट गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सॉरी सॉरी सॉरी, बी बी, ये तो सही है, दिस डिस्टेंस। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन को लिख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, नोट पॉइंट में क्वेश्चन बना के। चले आगे, अब हमारा सवाल है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? भाई बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा अब ये भी बता दो लगे हाथ की, वेक्टर कहते हैं किसको है भाई, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा अब ये भी बता दो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस चीज को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैं लिख रहा हूँ, चलो बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4 kg, इन दोनों में मैग्नीट्यूड कौन है? मैग्नीट्यूड का फंडा नहीं पता है, मैग्नीट्यूड क्या है इसमें 4, और केजी क्या है इसमें? यूनिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो मान लेते हैं हम लिखते हैं 4 4, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन लिख देते हैं नॉर्थ। अब ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या कुछ नहीं है? 4 नॉर्थ का क्या मतलब? मीटर, यूनिट कहाँ गया? तुम्हारा सवाल के जवाब में यूनिट क्यों नहीं मेंशन? वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीज मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे?
वेक्टर क्वांटिटी ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दे दिए, कुछ पता चल रहा है क्या फोर नॉर्थ का क्या मतलब है? तो मतलब है नहीं है ना। तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी भाई, जिसमें क्या क्या हो? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा भाई, अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है क्या, या पॉजिटिव हो सकता है क्या, या जीरो हो सकता है क्या, या तीनों हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो का भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। और अब एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन आया था यहाँ, क्या नाम है, एनडीए में बोला था, नॉर्मली समझा रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से करेंगे इस चैप्टर का, कि एक लड़का है जो पटना से बेंगलोर गया है, कहाँ गया है? पटना से बेंगलोर, और वापस फिर बेंगलोर से पटना आ गया है। पटना से बेंगलोर गया 40 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से और आया 50 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, ठीक है, ये सब चीज़ दिया है। उसके बाद बोलता है कि इसका वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी बताइए क्या रहा होगा, बताइए, इतना से गया इतना से आया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टाइम बोल रहा है कि आने जाने में टोटल टाइम लगा है 3 आवर का, बताइए भाई क्या होगा डिस्प्लेस सॉरी वेलोसिटी? दिमाग का पुर्जा खोलो, ठीक है ना, बोतल ढक्कन बन के मत बैठो, दौड़ाओ दिमाग, जवाब दो। तीस, बाकी लोग भाई वेलोसिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमको गड़बड़ा दी, तुम बताओ। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आया ना भाई, जब पटना से बेंगलोर गया और फिर बेंगलोर से वापस पटना आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है या अलग अलग है? शुरू कहाँ से किया था, पहुँचा कहाँ? तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो रखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा? जीरो, यही उसका आंसर। अकल लगा के जवाब देना है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन, समझ में आया? ए पॉइंट से हम चलना शुरू कर रहे हैं और घूम फिर के पूरा नाच के कैसे भी हम फिर वापस से ए पॉइंट पर आ गए, तो हमारा इनिशियल भी ए फाइनल भी ए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, और वेलोसिटी क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो जीरो बाई समथिंग क्या होता है? जीरो ही होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं, डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। वेलोसिटी बताओ क्या होता है, और एक्सीलरेशन भी बता दो क्या होता है। हम आज जो पढ़ाएंगे अगले क्लास में, इन सब का नोट्स हमको चाहिए कॉपी में बना हुआ, ठीक है, एक छोटे लाइन में, पूरा कहानी नहीं लिखना है। एक्सीलरेशन क्या है तो एक लाइन डिफिनेशन, बाकी जो इम्पोर्टेंट उसका फॉर्मूला है, क्वांटिटी है, यूनिट है, डायमेंशन, वो सब नीचे में लिखा होना चाहिए, ठीक है भाई, हो जाएगा ना? हाँ चलो बताओ वेलोसिटी क्या होता है, और कुछ डिफिनेशन बताओ। ओम्स लॉ पूछेंगे तो बोलोगे भी बराबर आई आर, तो ओम्स शर्मिंदा नहीं होगा, इतना मेहनत करके हम क्यों लॉ बनाए जब सबको भी बराबर आई आर ही याद रखना है। वेलोसिटी से क्या समझते हैं? अरे उसी चीज को लैंग्वेज में बोल दो, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, कभी भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है या डिस्टेंस कवर होता है? फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर कर रहा है? अरे सिर्फ उसी लैंग्वेज को लाइन में बोलो ना,
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है कि आपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे क्या डिस्प्लेसमेंट एक्वायर किया है अपॉन में कितना आपको टाइम लगा है, वही क्या बताता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम बोलते हैं वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा डी वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी। डी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन। क्या है भाई? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो आता है सबको, आता है ना ढंग से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? बोलो भाई। हाँ जीरो है। बताओ, ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। हम पूछ रहे हैं आपसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, कोई भी चीज़ डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट कब कंसीडर किया जाता है कि जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो उस फंक्शन में मौजूद है या नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे करोगे भाई? डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस में फोर बाई में डी एक्स। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पर एक्स का कोई टर्म है क्या? बोलो, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? टू एक्स। इसमें कोई एक्स का टर्म है क्या? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या इसमें कोई एक्स का टर्म है तो उसको क्या कंसिडर करते हैं? कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो यहाँ पर जो है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर कोई टी का टर्म है क्या? तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। तो ये बात मालूम होना चाहिए। हाँ भाई, तो ये है हमारा डी वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यानी डी का मतलब होता है स्मॉल टाइम इंटरवल में, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी वेलोसिटी। मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से तुमको कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो तुम दिल्ली जब पहुँच जाओगे तब हम इस बीच का जो नापेंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है तो वो हमको देगा वेलोसिटी। ठीक है, और उस वेलोसिटी को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? एवरेज। लेकिन अब तुम यहाँ से निकले और बाहर चाय सुट्टा जाके वहाँ पर बैठ गए, तो अब दिल्ली के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या बहुत कम टाइम लगेगा? तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी एक्वायर करोगे या बहुत कम करोगे? तो बस छोटे से डिस्टेंस के लिए, छोटे से टाइम के लिए एक्वायर किया हुआ छोटा सा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस वाले फॉर्मूला को हम बोलेंगे, इस वेलोसिटी को बोलते हैं एवरेज, और इस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन हम लोग पूरा प्रॉपर करेंगे इस पर, ठीक है, सारे का क्वेश्चन का। एक दिन जब काइनेमेटिक्स खत्म होगा तो पूरा क्वेश्चन का ये होगा, उससे पहले आप लोग अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, एक दो हम समझाते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लो एक, चलो पहले एक्सीलरेशन बताओ क्या होता है। हाँ, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी, चलो ठीक है मान लेते हैं। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होगा और एक फाइनल। चेंज कैसे नापते हैं? इनिशियल से फाइनल घटा के या फाइनल से इनिशियल घटा के? फाइनल से इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी को क्या मानते हैं? वी। इनिशियल क्या है? यू। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत है क्या? अब मान लीजिए कि कोई चीज कहाँ से शुरू हुआ होगा? रेस्ट से। तो रेस्ट से शुरू होने का मतलब यू का वैल्यू, तो ए बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वी बाई बनेगा, नहीं बनेगा? अच्छा, अब ये जो ए है ये क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन है या इंस्टेंटेनियस? एवरेज। ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एवरेज होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं मुझे तो इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो क्या करोगे? ए को क्या बना दो? डी ए। वी को क्या बना दो? डी वी। टी को क्या बना दो? डी टी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत है क्या?
अच्छा एक और फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इससे भी आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आप पूछो कैसे भाई, तो देखो भी के जगह पर रख सकते हो डी एस बाई डी टी, इसको एस को हम मान लो एक्स कर देते हैं, इसको हम एक्स कर दें, तो एक बार तो इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब ये जो वी का वैल्यू यहाँ पर रखोगे डी एक्स बाई टी टी, तो डी 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 स्क्वायर बाई एक्स और डी टी डी टी मिलकर क्या हो जाएगा डी टी स्क्वायर, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हमने निकाला ये सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आया 2x+5, अगर मैं बोलूँ नहीं हमको क्या चाहिए भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका भी फिर से क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और फाइनल आंसर क्या मिलेगा। अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो अगर उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे तो भी डायरेक्ट क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, या अगर वेलोसिटी दिया है तो उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दोगे तो भी क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, टाइम बचेगा इस फॉर्मूले से। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, बोल रहा है एक पार्टिकल है जो एक्स इज इक्वल टू 3t³ - 4t² + 5t + 6 मीटर पे, ये एक्स का मतलब क्या है पोजीशन, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है। बोल रहा है फाइंड एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में एक्सीलरेशन क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ये क्या बता रहा है, छोटा टाइम है, छोटा टाइम का मतलब आपको इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन करना है, एवरेज से काम होने वाला। तो अब इंस्टेंटेनियस तो एक्सीलरेशन निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है डीवी बाई डी टी, और दे क्या रखा है एक्स, तो पहले तुमको क्या चाहिए होगा भी चाहिए होगा, और भी के लिए क्या फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी, तो पहले भी निकालते हैं, तो वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स के जगह पर क्या रखोगे भाई 3t² - 4t² + 5t + 6 / d रखोगे ना, करो डिफरेंशिएशन 6t, अच्छा सॉरी 3t³ है ना 60, 9t हो जाएगा ना, अरे हाँ एक सेकेंड 9t² - 8t + 5, ये आपको क्या मिल गया भाई dv मिला, आया ना। अब इसका फिर से ये जो dv बाई डी टी है इसका आप क्या कर देना है इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट का, तो आपको क्या मिल जाएगा dA मिल जाएगा। आइए इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दें 9t² - 8t + 5/dt, बताओ क्या होगा 18t - 8, तो आपको एक्सेलरेशन तो मिल गया है ना। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन मिला इंस्टेंटेनियस, कितने टाइम पर बोल रहा है t = 3 सेकेंड, तो t के जगह पर क्या रख देना है 3, तो कितना हो जाएगा आंसर 54 - 8, कितना आएगा घटा के 46, क्या यूनिट क्या होता है मीटर पर, इस टाइप का कुछ। अब बताओ इसमें टाइम लगा कि नहीं लगा, लगा ना, पहले आपने वेलोसिटी निकाला फिर क्या किया फिर उसको निकाला इसमें, अब तुम डायरेक्ट जो एक्स दिया उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी तो वही काम कर रहे हो, एक बार डिफरेंशिएशन फिर वही कर रहे हो, एक ही बात समझ में आया बात, तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब थोड़ा बताओ वेलोसिटी क्वांटिटी कैसा है, स्केलर या वेक्टर, वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन भी वेक्टर। अच्छा रटने को तो सब रट लेता है यहाँ भाई, ये स्केलर ये वेक्टर ब्ला ब्ला ब्ला, कोई ऐसा टर्म आ जाए जिसका नाम ही तुम नहीं सुने हो एग्जाम में आ जाए तो कैसे बताओगे स्केलर है वेक्टर। चलो मैं बोलता हूँ इम्पल्स कैसी क्वांटिटी, तुमको पता ही नहीं इम्पल्स क्या होता है, पर तुमको मान लो ये पता है कि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, क्या होता है फोर्स इंटू, इतना तुमको पता है। तो देखो एक चीज याद रखना, अगर कभी वेक्टर अपॉन स्केलर हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है
वेक्टर आता है। कभी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर हो तो भी रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर आता है, ठीक है। और अगर कभी वेक्टर बाय वेक्टर हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। तुम एक दो चीज जान जाओगे सब का तुमको पता चल जाएगा। आओ तुमको बताते हैं, वेलोसिटी तुमने डिफाइन कर लिया भाई, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है। चलो वेलोसिटी भी तुमको नहीं पता, तुमको कुछ नहीं पता, बस तुमको इतना पता कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब तुमसे हम पूछे भाई बताओ वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो, तो वेलोसिटी क्या होता है, एस बाई, जब ये वेक्टर क्वांटिटी, और टाइम कैसा होता है, वेक्टर बाय स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, यानी वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी। एक्सेलरेशन पूछूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वी बाई टी। अब ये तो पता चल गया है ये वेक्टर है, टी क्या है, टाइम सेकेंड है, तो वेक्टर बाय स्केलर फिर से क्या मिलेगा, वेक्टर। क्लियर है बात। अच्छा उसी तरह से मैं पूछूं फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू मास, तो आपका स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट फिर से क्या दे देगा, वेक्टर। अब एफ वेक्टर है, टी स्केलर है, तो इम्पल्स भी कैसा क्वांटिटी होगा। आया बात समझ में, तब तुम रटो तुम्हारी मर्जी, इसको याद रखो तुम्हारी मर्जी, एग्जाम में बस कर देना है, ठीक है। अच्छा भाई तो वेलोसिटी के बारे में दो चीज़ बात कर ली, इंस्टेंटेनियस एवरेज, दो टाइप का वेलोसिटी होता है, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है यूनिफॉर्म दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या समझते हो इससे भाई, यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। देखो बोर्ड पे जो जो पॉइंट रहेगा लिखा हुआ उन सब का नोट्स बनाना है और चेक कराना है और ढंग से बनाना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताओ भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है यूनिफॉर्म और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन में ऐसा कोई जरूरी है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, कैसा, एक समान, यानी आप गोल चलिए, लंबा चलिए, टेढ़ा चलिए, जैसे चलना है चलिए, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर होना चाहिए। मान लेते हैं आपने 10 किलोमीटर 10 मिनट में कवर किया, तो अगला 10 किलोमीटर भी आपने कितने में कवर कर लिया, 10 में, फिर अगला भी 10 में, तो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करना, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर उल्टा पुल्टा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखना है कि जब भी कभी भी क्वेश्चन में लिख दे कि वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेट करना, क्या करना, तो एक्सेलरेट कब किया जाता है, बाइक तो चलाते होगे ना, एक्सेलरेटर उसमें होता है ना, तो एक्सेलरेटर का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेट करना मतलब तेज करना, यानी आपका स्पीड स्लो है, अब स्पीड को क्या किया जा रहा है, तो अभी आप स्लो स्पीड में चल रहे हैं 10 के स्पीड पे मान लो, तो इक्वल इक्वल टाइम कवर करोगे। अब जैसे तुमने एक्सेलरेट कर दिया तो जो तुम्हारा इक्वल टाइम पर डिस्टेंस कवर हो रहा था उतना ही होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहा या नॉन यूनिफॉर्म, तो जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तब वहां पर क्या आता है, एक्सेलरेशन, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता है तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस बात को एकदम गांठ बांध लो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ओके भाई आगे चलते हैं। अच्छा एक बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेल, हाँ चलो, एक्सेलरेशन में भी दो टाइप होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म, समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन का एक छोटा सा भाई होता है रिटार्डेशन, नाम सुने उसका, देखो यहीं पर हम लिख देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी नोट्स में डाल लेना और एक्सेलरेशन को भी डाल लेना, एक ही चीज़ है जो भी है। अब एक नया टॉपिक है जिसका क्या नाम है, रिटार्डेशन। अब ये क्या करता है भाई, अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ा रहा होगा तो रिटार्डेशन स्पीड को घटा रहा होगा,
यूनिट दोनों का सेम होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट क्या वर्क करता है, रिटार्डेशन वर्क करता है। कोई दिक्कत है क्या? एक ग्राफ मैं बनाता हूँ, अब ग्राफ पे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। सबसे पहला सवाल कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा, वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम। तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से क्या मिलेगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, क्या मिलेगा वेलोसिटी और टाइम से? तो देखो भाई, एक्सीलरेशन मिलेगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बराबर, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर यहाँ पर मैं ग्राफ बनाता, ये टाइम होता और ये क्या होता, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स और टी के बीच का ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। वी और टी के बीच का ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब मैं बोलूँ कि एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, अब इन दोनों में बताओ कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन शो कर रहा है और कौन सा ग्राफ रिटार्डेशन शो कर रहा है? देखो, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड को बढ़ा देना, वेलोसिटी को। तो कौन सा ग्राफ वेलोसिटी बढ़ा रहा है, ऑप्शन दे देते हैं ए, और इसका नाम है बी। ए बढ़ा रहा है, यानी ए का जो ग्राफ होगा वो किसका ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन का, और बी जो है वो देखो वेलोसिटी को धीरे 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 कम कर रहा है, तो किसका ग्राफ होगा, रिटार्ड। कोई दिक्कत है क्या? उसी तरह यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये किस टाइप का, पहले एक्स टी का ग्राफ क्या दे रहा है, वेलोसिटी। ये किस टाइप का वेलोसिटी, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, कैसा वेलोसिटी है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई दिक्कत? तो ग्राफ में ये छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है। अच्छा, कोई चीज रेस्ट में है, उसके लिए कैसा ग्राफ बनाएंगे, टाइम और ये एक्स यानी पोजीशन या पॉइंट। अब कोई चीज मोशन में नहीं है, कहाँ है भाई, रेस्ट में है, तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? कि देखो भाई, टाइम तो लगातार बढ़ रहा है, हाँ या ना। देखो यहाँ पे टाइम कुछ और है, यहाँ टाइम कुछ और है, यहाँ टाइम कुछ और है, यहाँ टाइम कुछ और है, लेकिन ये जो पोजीशन है वो उसका क्या है, फिक्स है, उसमें कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर समय के साथ साथ पोजीशन में बदलाव आता है तो उसको मोशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चेंजिंग हो रहा है क्या, नहीं, तो ये किस में होगा, रेस्ट। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, इतना नॉलेज हो गया तो कुछ और बात कर लें। चलो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी जवाब तो ग्राफ से ही रिलेटेड है। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। सवाल ये है, ये ए ग्राफ है, ये बी है और ये सी है। सवाल नंबर ये है कि कौन सा ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है, कौन निगेटिव दिखा रहा है और कौन जीरो दिखा रहा है? ए बी सी बोलो, ए क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव, बी क्या दिखा रहा है और सी, तो यानी वहां पर वेलोसिटी कैसा होगा सी में, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सीधा ग्राफ तो बनाते हैं ना, तो ये सब छोटा छोटा सवाल ऐसी ग्राफ देके पूछ लेगा, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं है। समझ गए? हाँ, वेलोसिटी नहीं, नहीं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, समझो यहाँ पर। ये वेलोसिटी है और ये टाइम। एक्सेलरेशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ तो आप ऐसे ही बनाएंगे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, देखना। यहाँ पर मान लो टी वन है, यहाँ पर टी वन, यहाँ पर टी टू है, यहाँ पर वी टू। जैसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बोले,
इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम में, यानी यहाँ से यहाँ तक आपकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो अगले भी यहाँ से यहाँ के बीच में भी आपकी वेलोसिटी क्या बनी हुई है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में कोई स्पीड या कोई डिक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो कोई एक्सेलरेशन है क्या, कोई आपने एक्सेलेटर ऐंठा है क्या? एक्सेलेटर ऐंठते हैं तभी ना स्पीड बढ़ता है, जब एक्सेलरेशन हम रोके हुए हैं तो हमारा कोई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म बना हुआ है, जीरो नहीं। एक्सेलरेशन पैदा तभी होगा जब वेलोसिटी होगा, ठीक है, समझ में आ गया बात? चलो ठीक है, ये सब बेसिक बात हम लोग किए हैं, मेन तो हम लोग को NLM पढ़ना है, लेकिन अरे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, चलिए बाकी तो आप लोग पढ़े होंगे, बाकी का नोट्स वोट्स होगा ही, ज़्यादा डिस्कशन क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, विच ऑफ द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अच्छा हाँ चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों ग्राफ का क्वेश्चन है, जरा डील कर लेते हैं। ठीक है भाई, और ये सब है आपका डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में, डी टी डी टी डी टी। सवाल है चारों ग्राफ देख के, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, एक एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, एक आंसर भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सोच के जवाब दीजिएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कौन से शुरू है, अच्छा कोशिश करो, डायमेंशन होते हैं, देखो भाई ध्यान दो बनाओ। बताओ, सोच समझ के जवाब दो। अच्छा ए बी सी डी हम नहीं दिए है ना, ए बी सी डी, बहुत सोच के और बहुत समझदारी से जवाब देना, सोचो सोचो, 2-3 मिनट का टाइम लो, कि कौन सा ग्राफ नहीं गलत है, इस चारों में कौन सा ग्राफ गड़बड़ बना हुआ है, ध्यान देना है, ध्यान देना है कि ग्राफ जो है डिस्टेंस और टाइम के बीच में है, जरा सोचिए। एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। बोलो बोलो बोलो, हाँ बी, और कोई डी, और अच्छा चलो बात नहीं करो, आता है कि नहीं आता है तो बताओ, बी के अलावा और कोई नहीं होगा, ए लग रहा है, यानी ए और बी तो सही जवाब है, कि ए और बी गलत नहीं है, ए और बी सही जवाब है, ए और बी ग्राफ पॉसिबल, तो रीजन भी दे दो क्यों। ठीक है, इसका तो देखो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डिस्टेंस कभी भी समय के साथ कम नहीं हो सकता है, हमेशा डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है। यहाँ पर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस अब क्या हो रहा है, देखिए डिस्टेंस क्या होना शुरू हो गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं, 10 घंटा में आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगले 11वां घंटा में डिस्टेंस कम होने लगा है, पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल है, वही लॉजिक यहाँ है, देखो पहला डिस्टेंस बढ़ रहा है और फिर डिस्टेंस को आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो दोनों ग्राफ पॉसिबल, ग्राफ का क्वेश्चन ऐसा ही आता है, थोड़ा सा अकल लगा के जवाब देना है।
अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आइएगा। क्वेश्चन का प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ये बात भूलना नहीं है, अभी बस ऐसे ही ओवरव्यू दे रहे हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्वेश्चन है, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का है, किसके बीच का है? दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कौन सा ग्राफ दिखा रहा है एक्सेलरेशन का, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या दिखाता है। अब सवाल ये है कि विच ऑफ द पेयर रिप्रेजेंट डी एक्सिलरेटेड मोशन। डी एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड मतलब तो समझ में आ रहा है एक्सिलरेशन, और डी एक्सिलरेटेड मतलब एक्सिलरेशन का उल्टा यानी रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन बोले या क्या बोले, आपको डी एक्सिलरेटेड बोले तो उसका जवाब आपको देना है सोच समझ। और कोई है या नहीं, अभी भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, या कि सिर्फ वही होगा बताओगे? डी एक्सिलरेटेड, ए से बी। अच्छा, अगर पूछा जाए एक्सिलरेटेड, सी से, यही क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ था पेयर में कि एक्सिलरेटेड और डी एक्सिलरेटेड का पेयर बताइए, तो क्या क्या होगा? ए बी, और छोटा सा लॉजिक एग्जाम में आता है इसलिए अक्ल लगा के काम करना है। आइए एक दो क्वेश्चन और करके आगे बढ़ा जाए। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जो भी करा है। एक सवाल है, व्हेन अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट देन इट्स स्पीड इज जीरो, एवरेज स्पीड इज जीरो, डिस्टेंस इज जीरो और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, अब तुम लोग तेज हो गए, चलो बाकी बेसिक अपना करना है तुम लोग को। मेन हमारा आज का टॉपिक जो था वो क्या है, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके पहले का जो है क्या बोलते हैं यूनिट डायमेंशन, बेसिक्स मोशन का जो भी बेसिक चीज़ें हैं उन सब का आप प्रॉपर नोट बना के लाइएगा कल। कल 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 नहीं, मेरा जब अगला क्लास होगा, जब भी अगला क्लास होगा रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग 1 घंटा प्रॉपर मोशन और यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है, जो बुक्स है, जो इम्पोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को करना है, और फिर जो अभी NLM पढ़ाएंगे उसका नोट्स आपको अगले क्लास में चेक करवाएंगे। समझ में आ गया बात? हाँ, नेक्स्ट क्लास में, जैसे आज जो पढ़ाएं उसको अगले क्लास में चेक करके उसी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, फिर जब उस दिन जो पढ़ाएंगे उसको अगले क्लास में चेक करा के उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो चलो अब हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन कौन था ये बताओ पहले, साइंटिस्ट था, खाली फिजिक्स में रूल दिया है कि और भी कहीं दिया है? कहाँ कहाँ दिया है? फिजिसिस्ट था, केमिस्ट था या साइंटिस्ट था? वेन डायग्राम पढ़े हो कभी? हैं, पढ़े हो? अच्छा बताओ तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? फिजिसिस्ट इन तीनों का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे बड़ा, उसके बाद उसके यहाँ से ऐसे कहीं से ही बना लोगे भैया? इसका क्या मतलब होता है सम? हाँ, तो ऐसा थोड़ी होगा, जो फिजिसिस्ट है वो तो साइंटिस्ट होगा ही, जो फिजिसिस्ट है वो तो साइंटिस्ट होगा ही। तो ये जो घेरा है इसके अंदर आएगा कि जितने भी फिजिसिस्ट होते हैं वो तो साइंटिस्ट हैं ही, जितने भी केमिस्ट होते हैं वो तो साइंटिस्ट है ही, लेकिन जो फिजिसिस्ट हैं वो केमिस्ट नहीं हो सकते। दिस इज द रियल वेन डायग्राम। हाँ, वैसे ही बना सकते हो। खैर, अपने टॉपिक से बाहर का चीज़ है।
तो भाई न्यूटन साहब जो है वो हर जगह उंगली किए हैं, फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, है ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, हर जगह उंगली किए हुए हैं आके। तो चलो भाई सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जरा बताओ कि क्या होता है फर्स्ट लॉ। बोलो 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 बोलो, टाइम लॉस नहीं करो। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो खुद को रेस्ट में रखना चाहेगा, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो खुद को मोशन में रिस्ट्रेन करना चाहेगा, अनटिल इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि कोई बाह्य बल उसके ऊपर कार्यरत ना हो। ज्यादा हिंदी हो गया, कोई भी बाहरी फोर्स उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक कि उसको अपने पोजीशन को वैसा ही बनाना चाहेगा, यही कहलाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू ऑब्जेक्ट अपने आप को रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखे, मोशन में है तो मोशन में ही रखे, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है भाई? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो खुद को रेस्ट में रखा है तो रेस्ट में ही रखेगा, खुद को मोशन में किया है तो मोशन में ही रखना चाहेगा। और ये लॉ किसने दिया था? न्यूटन से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो दिक्कत क्या? अब इनर्शिया के तीन टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं बताओ, कौन कौन से? नहीं मालूम है? इनर्शिया समझ में आया क्या होता है? आया ना? आ गया ना? इनर्शिया का तीन टाइप होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन चीज होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ, अब समझना क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है, ये पेन यहाँ रखा हुआ है तो ये अपने आप को रेस्ट में ही रखेगा, इसकी प्रॉपर्टी है, जब तक कि मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको उठा ना लूँ तब तक ये अपने आप को क्या रखेगा, रेस्ट में ही रखेगा, जब तक कोई हवा आके इस पर फोर्स लगा ना दे, कुछ नहीं हो रहा, सारा चीज़ नॉर्मल है, तो क्या पेन यहाँ से ऑटोमेटिक हिलेगा? क्या नहीं हिलेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं आएगा, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक इस पर नहीं आएगा ये अपने पोजिशन को वैसा ही रिस्ट्रेन करके रखेगा, कोई दिक्कत? तो ये रेस्ट में है और रेस्ट में खुद को रख रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। तो वैसा इनर्शिया जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखे वो क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई इनर्शिया जो दूसरे ऑब्जेक्ट को मोशन में रखता है वो क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई दिक्कत है क्या? अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? देखो भाई, गाड़ी के अंदर तुम लोग जा रहे हो एक डायरेक्शन में, अचानक से गाड़ी जब कर्व होता है तो तुम्हारा बॉडी किधर को टिल्ट हो जाता है? इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम रेस्ट में थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ने तुमको कैसा बना रखा था? रेस्ट में, है ना, रेस्ट मोशन में चल रहे थे, रेस्ट में जा रहे थे आगे, जैसी डायरेक्शन बदला तो तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, खुद को क्या रखना है? रेस्ट में। लेकिन गाड़ी में क्या आ चुका है? कर्व आ चुका है, डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो तुम उसके साथ साथ चेंज नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा बॉडी जो है किधर हो गया, इधर के डायरेक्शन में झुक जाता है। यही रीजन है कि रुका हुआ गाड़ी जब चलता है तो आदमी किधर को जाता है? पीछे। चलता हुआ गाड़ी रुकता है तो आदमी कहाँ जाता है? आगे। पेड़ हिलाते हो तो पत्ता नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? पहला रीजन तो ग्रेविटी है, दूसरा रीजन क्या है कि जब पेड़ रेस्ट में था पेड़ का पत्ता भी रेस्ट में था, तुम सडनली पेड़ को हिलाना शुरू कर दिए तो पत्ते की क्या प्रॉपर्टी है खुद को रेस्ट में रखने की? तो पेड़ जब हिला तो पत्ता तो रेस्ट में ही था, तो ये रेस्ट में इसको हिला दिए तो टूट जाएगा ना, टूटने के बाद ग्रेविटी उसको कहाँ कर लेगा, नीचे गिर जाएगा। ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट पे बहुत सारा गंदा है, उसको कैसे साफ करते हैं? डंटा से पीटते हैं या उसको ऐसे झाड़ते हो? जब झाड़ते हो तो जो गंदगी का मॉलिक्यूल था वो तो रेस्ट में था कंबल के साथ साथ, लेकिन तुमने मोशन में किसको लाया? कंबल या ब्लैंकेट या चादर किसी चीज को, तो उसके मोशन में आने के वजह से मॉलिक्यूल रेस्ट में ही है इनर्शिया के वजह से, तो कंबल नीचे गया और मॉलिक्यूल हवा में उड़ने लग गया। ये सारा एप्लीकेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए।
अच्छा एक क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ दैट इलस्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। कोई एक डेली लाइफ का ऐसा एग्जांपल बताओ जो इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन करता हो, बताओ। पता ही नहीं सारा सी। ठीक है, ए पैसेंजर सिटिंग इन अ रेस्ट कार देन वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इस चीज़ को आप लोग अपने नोट्स में खुद से लिखिएगा, ये हम नहीं लिखवाएंगे। ये सारा बात को नोट्स में एक लाइन में लिख के समझो, 10 लाइन में लिखो, 50 लाइन में लिखो, मुझे मतलब तुमको समझ में आना चाहिए। हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम पूछेंगे भाई क्या होता है, तो वहाँ पर जवाब देना है। तुम एक लाइन लिख के समझो चाहे 10 लाइन, इट इज़ नॉट माई जिम्मेदारी। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, कौन सा? ये किसी को याद नहीं रहता है, यही है सर का दर्द है ना। थर्ड लॉ तो सबको याद रहेगा, एक्शन का रिएक्शन। सेकेंड लॉ बताओ क्या होता है। यहाँ पर एक नया प्राणी पैदा होगा जिसका नाम होगा फोर्स, बताओ भाई। फोर्स फिर वही बात, शर्मिंदा कर रहे हो तुम न्यूटन को, मास इनटू एक्सीलरेशन। वो इतना लंबा चौड़ा काहे स्टेटमेंट लिखा है, बोलो। तुम आपस में मत बात करो, हमको बोलो गलत या सही। अच्छा, अब हर जगह ये चीज नहीं चलेगा, कहीं कहीं स्टेटमेंट भी होता है, लॉ में तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना। देखो मास इनटू एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता है। अच्छा अगर हम तुमसे पूछें, तुमको पता है, चलो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बहुत ध्यान से समझना, आज के बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में दिक्कत नहीं होगा। मास इंटू एक्सीलरेशन, कोई भी चीज़ एक मास है उसके पास और वो मूव कर रहा है एक एक्सीलरेशन के साथ, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। हम इसको ऐसे फेंकें, इसमें एक्सीलरेशन है, इसका कुछ मास है, इसके मास को इस एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना फोर्स इसके ऊपर। क्या रॉकेट के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं क्या? रॉकेट, रॉकेट के पास कुछ ना कुछ मास है और जब उड़ता है तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी एक्वायर करता है, तो वहाँ पर अगर हम लोग को वेलोसिटी सॉरी फोर्स निकालना हो तो वहाँ पर भी अब मास का और एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर भी फोर्स निकल जाएगा हमको। यस और नो? नो। तो ये आधा अधूरा सब पढ़ता है, आज पूरा पढ़ना। रॉकेट में ये सब काम नहीं होता है। ये जो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये वहीं लगता है जहाँ पर मास क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, मास में कोई बदलाव नहीं आ रहा हो। इसको उड़ाएं तो 3 किलो का था तो 3 ही किलो नीचे आएगा ना, या ऊपर जाके 2 किलो 2.5 किलो ऐसा हो गया, नहीं हुआ ना, नहीं ना, मास तो वही रहा। लेकिन कभी रॉकेट मूवी वगैरह में देखे हो या लॉन्च होते देखो, जब उड़ता है तो एक कुछ हाइट पे जाके उसका कुछ पोर्शन खुल जाता है, थोड़ा हाइट पे जाके फिर कुछ पोर्शन गिर जाता है, तो क्या अब मास कॉन्स्टेंट है क्या? तो फिर एफ बराबर एम ए रॉकेट में लगने वाला। तो दिस इज नॉट द रियल सेकेंड लॉ। रियल सेकेंड लॉ क्या है वो अब सुनो, हम बताते हैं असल में सेकेंड लॉ क्या है, तो सुनोगे भाई। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मोमेंटम का जो रेट चेंज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। तो फोर्स तो पता है आपको, ये फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी का मतलब ऐसा हो गया। मोमेंटम को किससे दिखाते हैं? पी से। चलिए थोड़ा मोमेंटम पे पहले बात करते हैं फिर इधर आएंगे। मोमेंटम दो टाइप का मोमेंटम होता है, ठीक है, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर, ठीक है। एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर, बाद में करेंगे ग्रेविटी वगैरह में। लीनियर मोमेंटम को हम लोग किससे दिखाते हैं? पी से। बोला जाता है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो जिसकी वेलोसिटी जो जिसका मास एम है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v velocity से मूव कर रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा m डॉट, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा मान लेते इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था, तो मोमेंटम बराबर क्या लिखेंगे? m v माइनस
ऐसे लिखेंगे ना, कोई दिक्कत है क्या बोलो? अच्छा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मोमेंटम का रेट चेंज कैसे लिख सकते हैं, डीपी बाई डीटी, हाँ या ना, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है डीपी बाई डीटी, इसका वैल्यू रफली कितना माना जाता है, वन। तो आ गया एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन में डीटी। अभी समझना, पी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एम इंटू वी बाई डी टी रख सकते हैं ना, हाँ या ना? यू इंटू वी दिख रहा है तुमको डिफरेंशिएशन, यू इंटू वी का नहीं मालूम? अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन करना है आपको साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का, तो कैसे करते थे, इसको यू मानते थे, इसको वी मानते थे, एक को रोकते थे दूसरे का, एक को रोकते थे दूसरे का। यहाँ पर भी देखो एक मास और एक वेलोसिटी है, तो यू इंटू वी होगा ना। तो इसको कैसे करेंगे, मास को रोक लेते हैं तो क्या लिखेंगे, डी वी बाई, प्लस वेलोसिटी को रोक लेते हैं तो क्या लिखेंगे, डी एम बाई डी टी। समझे ना, ये है आपका रियल सेकेंड लॉ। अब हम समझा देते हैं कैसे। अगर मास को कांस्टेंट रखें तो ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मास को अगर कांस्टेंट कर दें तो ये डिफरेंशिएशन, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, क्योंकि मास को अगर हम क्या मान लेते हैं कांस्टेंट, तो इस पूरे पार्ट को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, जीरो। समझ रहे हो बात? अच्छा जी, तो वो जीरो हो गया, तो एफ बराबर क्या बचेगा, एम इंटू डी वी बाई डी टी। अच्छा याद करो तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता था, वेलोसिटी टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता है? तो डी वी बाई डी टी के जगह पर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एम इंटू ए डी सी, यही रखते हो ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। कैसे आया, जब आपने इसको क्या रखा, मास को क्या किया, अगर मैं रॉकेट में बोलूँ ये लगेगा ये लगेगा, क्या जवाब दोगे, दिस इज द रियल सेकेंड लॉ, ना कि ये केस बना के आया है कि अगर मास कांस्टेंट रहा तो, अगर मास कांस्टेंट नहीं तो दिस इज द रियल सेकेंड लॉ। क्लियर है बात? ये स्टेटमेंट, ये डेरिवेशन आपको उससे पहले ही बता देते हैं, आपके लेवल में 100% टाइम यही यूज होगा, इसका इस्तेमाल होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चा वाला एग्जाम है तो बच्चा वाला क्वेश्चन, हाई लेवल का एग्जाम रहेगा तो हाई लेवल का क्वेश्चन, है ना? तो एफ इज इक्वल टू एम ए, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा। तो बस जो फील देना था, समझ गए, सीख गए, यही क्या है आपका, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। कोई दिक्कत? मोमेंटम भी समझ गए क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। चलो यूनिट बता दो मोमेंटम का, यूनिट यूनिट यूनिट, मास का यूनिट क्या होगा भाई, केजी। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, बन गया केजी मीटर पर सेकंड। और जितना भी पॉइंट तुम लोग नोट्स में डालोगे सबका यूनिट और डायमेंशन लिखना है, और क्वांटिटी, क्वांटिटी यूनिट डायमेंशन वहां पर लिखा होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी के बारे में लिख रहे हो तो उसके नीचे लिखना है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, इसका डायमेंशन ये होता है, ठीक है? जैसे मोमेंटम लिखोगे तो मोमेंटम का डिफिनीशन, उसका फॉर्मूला, उसका क्वांटिटी, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, फिर आगे बढ़ना है, इस तरह से नोट्स बनाना है, ठीक है? चलो मोमेंटम समझ गए। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो बताओ इम्पल्स के बारे में कभी जानते हो क्या, झापड़ खाए हो कभी? हाँ वही तो इम्पल्स है भैया, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए अप्लाई करना, बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत कम टाइम के लिए किसी जगह पर अप्लाई करना। जैसे ये फोर्स था, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए लगा, ये क्या है, इम्पल्स। अब फोर्स है, इसको दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, तो ये इम्पल्स नहीं है, ये फोर्स है, ऐसे समझ में। छोटे से टाइम इंटरवल पे ज्यादा सा फोर्स किसी भी सरफेस पर अप्लाई करना क्या कहलाता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अब एक और चीज़ ध्यान देना, फोर्स तो ज़्यादा है लेकिन टाइम ज़्यादा है या कम, टाइम कम है,
तो हम f छोटे चीज को कैसे लिखते हैं, डी टी, कोई दिक्कत? f डॉट डी टी, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ बात, चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सुन लो। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सटर्नली शॉर्ट ड्यूरेशन दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। वही बात बोला हूँ मैं कि लार्ज फोर्स किसी कम समय के लिए किसी सरफेस पर लगता है उसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब मान लीजिए इम्पल्स बराबर आपने एक फॉर्मूला तो बना लिया एफ डॉट डी टी। अब अगर बोला जा रहा है कि टी वन टाइम से लेके टी टू टाइम तक इम्पल्स है, कहाँ से कहाँ, टी वन से टी टू तक, तब बताइए। जैसे मान लो हम तुमको मारे तो कुछ सेकंड के लिए तो यहाँ पे हाथ रहा होगा ना, कुछ सेकंड से कुछ सेकंड तक, मान लो एक ही सेकंड तक गाल में तो सटा होगा ना, तो जीरो से एक सेकंड टी वन से टी टू तो बन गया ना। तो इस कंडीशन में इम्पल्स कैलकुलेट करने बोला जाए तो आप कीजिएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी टी वन से टी टू। ये फॉर्मूला भी आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, समझ में आया बात। जैसे मैं बोलूँ इफ इफ क्वेश्चन समझो, इफ फाइव टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी प्लस, एक सेकेंड इसको और आसान बना देते हैं, थ्री टी कर देते हैं, कट जाएगा कट जाएगा, ठीक है, प्लस में फोर न्यूटन। इफ इतना न्यूटन अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम वन सेकेंड टू टू सेकेंड कैलकुलेट इम्पल्स। समझे क्वेश्चन, बोलो भाई। इतना न्यूटन का फोर्स बहुत छोटे टाइम इंटरवल एक सेकेंड से दो सेकेंड के बीच में किसी बॉडी पर लग रहा है तो इम्पल्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे भाई, इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एक से लेके दो तक, फोर्स क्या दे रखा है, थ्री टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी प्लस में फोर और डी टी। इंटीग्रेशन तो आता होगा, बताओ क्या होगा थ्री टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। चलो पहले अलग अलग कर लेते हैं, थ्री टी स्क्वायर डी टी प्लस सिक्स टी डी टी प्लस फोर डी टी, वन से टू वन से टू, सबको आता है ना भाई। हाँ तो बताओ थ्री टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यू बाई, यही होता है ना, थ्री से थ्री कैंसिल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, दो से एक तक, प्लस ये क्या हो जाएगा सिक्स टी स्क्वायर बाई टू थ्री जो सिक्स है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टू से प्लस फोर बाहर, और यहाँ पर क्या जाएगा टी लिमिट कहाँ से, वन से टू तक। अब तो समझ गए क्या करना है, वैल्यू रख दो, पहले अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखो क्या होगा टू का क्यों क्या आएगा एट माइनस वन, यानी कितना निकला सेवन प्लस टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू माइनस वन वन फोर, तो कितना आ गया आई इज इक्वल टू नौ सात सोलह और चार बीस। अब यूनिट बताओ क्या होगा इम्पल्स का, न्यूटन सेकेंड, ये इम्पल्स है, इस टाइप का क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, तो बहुत हार्ड है फिजिक्स, नहीं ना, थ्योरी खुद से करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डाउट सेशन क्लास में। यहाँ तक कोई दिक्कत, इम्पल्स समझ गए वगैरह वगैरह सब कुछ समझ गए। अच्छा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग सॉकर्स इन अ कार, कार में सॉकर यूज करने का क्या पर्पस, सोच के जवाब दो। सॉकर समझ में आता है ना, मतलब ऊंचा गड्ढा आता है तो मैनेज करने, जरा बताओ क्या रीजन है, टाइम बढ़ाने के, नहीं फिजिक्स के लैंग्वेज में जवाब दो, फिजिक्स के लैंग्वेज में न्यूटन्स के लॉ से रिलेट करके बताओ, कौन से लॉ के लिए,
यही इम्पल्स का कहानी है भैया। मान लो सॉकर नहीं होता, गाड़ी में काफी वजन है, सडनली गाड़ी ऊपर नीचे होता तो बहुत लार्ज फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगता ठक से, जिससे बहुत ज्यादा क्या हो सकता था, नुकसान हो सकता है ना, गाड़ी टूट जाएगा, आदमी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इम्पल्स से, इम्पल्स की वजह से हम क्या यूज करते हैं, या न्यूटन सेकेंड लॉ भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात। अच्छा एक चीज बताओ, इट इज डिफिकल्ट टू पुश ए बॉक्स ऑफ फुल क्लॉथ देन एन एम्प्टी बॉक्स वाई। बड़ा अच्छा सवाल है। एक खाली डब्बा को पुश करना और एक कपड़े से भरे हुए डब्बे को पुश करना, खाली डब्बा को पुश करना आसान क्यों है और भारी डब्बे को पुश करना भारी क्यों है? मास ज्यादा है, जवाब आपका नॉर्मल सही है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। यही वो रीजन है जिस वजह से आपको एम्प्टी के बजाय फील्ड बॉक्स को धक्का लगाने में परेशानी। ठीक है भाई, नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा लॉ। तीसरा लॉ क्या बोलता है बताओगे? अच्छा चलो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले बड़ा बढ़िया चीज एक समझ लो, तो शायद ही तुम लोग जानते हो, समझाते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल होगा ठीक है, पर समझना। ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है। इधर से हमने इसके ऊपर एक क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। अब हमारा सवाल आपसे ये है, इसका एक्सिलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्सिलरेट किधर को करेगा, इधर को करेगा या उधर को करेगा? अरे गधे, इस चीज पे हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो उल्टा भागेगा कि आगे भागेगा? उल्टा भागेगा, लगाओ जरा। हाँ रिटार्डेशन ना उल्टा लगेगा, एक्सिलरेशन थोड़ी उल्टा लगेगा। जिधर को फोर्स उधर को वेलोसिटी, उधर को एक्सिलरेशन, तो यानी इसका एक्सिलरेशन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। आया ना? इस पर और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस फोर्स के अलावा? बड़ा सोच के जवाब देना। हाँ फोर्स, प्रेशर नहीं बोल रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इस बॉडी को नीचे की तरफ कौन सा फोर्स मिल रहा होगा, एम जी, यही बोलते हैं ना। अच्छा और कोई फोर्स, एम जी को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, इनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा फोर्स हमने इधर को लगाया, मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, क्या इन दोनों डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है क्या? इसका मतलब ये एन और एम जी दोनों बराबर है, हाँ या ना? क्योंकि कोई भी एक फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो नीचे खींच देगा ना। हम एक रस्सी को खींच रहे हैं, तुम एक रस्सी खींच रहे हो, ना तुम मेरे इधर अट्रैक्ट खींचा पा रहे हो ना हम, इसका मतलब क्या, हम दोनों एक जैसा फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी कमजोर पड़ेगा वो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ना ये नीचे को जा रहा ना ये ऊपर को जा रहा, इसका मतलब एन बराबर एम जी, और बराबर और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी सिर्फ एफ लगाएं और एम मास इधर को मूव कर गया, यानी एफ इज इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं, मास क्या है एम और एक्सेलरेशन कितना हुआ ए, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, एफ इज इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू एम। अच्छा एक क्वेश्चन में लाया हूँ तुम लोग के लिए बढ़िया सा सोच करके। क्या है ये, है तुम अपना काम करो ना, नहीं पढ़ना है तो निकल जाओ यहाँ से, फालतू का यहाँ बैठे हुए नहीं तुम लोग के लिए। समझ गया हो, अब इसका जवाब दो, देखना यहाँ पे ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम है, और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर एफ, और ये फोर्स हम लगा रहे हैं थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा
थीटा एंगल पे। तो हमारा सवाल ये है कि इसमें आप कैलकुलेट करके बताइए कि इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, अब इससे भी टफ चीज़ पढ़ाएंगे हम न्यूटन्स मोशन में, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, इससे भी आगे चलेंगे। अब अभी यहाँ पर सोच के जवाब देना है। यहाँ पर देखोगे क्या होगा, इधर को खींचोगे तो ये चीज़ इधर भी खसकेगा और ऊपर की तरफ भी हल्का भागेगा, यस और नो? तो जब ऐसा कोई कंडीशन होता है तो हम कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल। तो एंगल के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये एफ है और ये थीटा है, तो एफ कॉस, और इसके ठीक वर्टिकल में क्या बनाते हैं, एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या इस पर? और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? जी बिल्कुल। क्या लग रहा होगा? एम जी। इस पर और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? जी बिल्कुल। क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब कैलकुलेट क्या करना है हमको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से तो कैलकुलेट करना है। तो जरा चला बनाते हैं, इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? एक तो एन है और प्लस में एफ साइन थीटा है, और ठीक अपोजिट में क्या है भाई, एम जी। आपको कैलकुलेट किसका वैल्यू करना है, एन का। तो एन बराबर आपका कैलकुलेट हो गया क्या, एम जी माइनस एफ साइन। ये मैं केस बता रहा हूँ। अब एग्जाम में क्या करेगा, ये एम की जगह बोलेगा 2 किलो का ऑब्जेक्ट, तो एम की जगह पर क्या रख दोगे, जी तुमको पता है, या तो 9.8 या तो एफ तुमको दे देगा कि इतना फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं, और एंगल भी तुमको दे देगा कि किस एंगल पे हम इसको खींच रहे हैं। तो ये सारा वैल्यू रख के क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। अच्छा जी, एक और चीज़, अब अगला सवाल है क्या निकालना है हमको, एक्सीलरेशन। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन के लिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही होता है। ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट किधर को हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में, हाँ या ना, एग्री करते हो ना? और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा। मास कितना है, एम है, तो एफ के जगह पर क्या रखना होगा, एफ कॉस थीटा इंटू एम इंटू में, तो यही तो निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा भाई, एफ दे रखा होगा, एम दे रखा होगा, एंगल दे रखा होगा, एक्सेलरेशन। ये मैं एक जनरल तरीका बताया हूँ, ठीक। अब इसी में वैल्यू पुट करके हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो दिक्कत रहेगा क्या? नहीं ना। तो एक बार ट्राई कीजिए, खुद से एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ये सब क्वेश्चन हमको खोज खोज के लाना पड़ता है। चलिए आइए, ये एक ऑब्जेक्ट है, बनाओ, क्वेश्चन बनाते रहो साथ में। इधर हमने एक फोर्स लगाया है भाई 20 न्यूटन का, और एंगल है हमारा 37 डिग्री। ऑब्जेक्ट जो है वो है भैया 5 किलो का, एक फोर्स हमने ऐसे लगाया है 53 डिग्री पे। तो आपको कैलकुलेट करना है एन ए। चलिए भाई टिराई कीजिए, इधर से फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, बंदर भी लटकाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं। हाँ जी ले लो आसान से, 10 ले लो आराम से। और क्या, बंदर का पूछ पकड़ के बंदर लटकेगा, फिर निकलवाएंगे फोर्स।
आराम से, धक 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 नहीं करो। हो गया, ट्राई करते रहो भाई। बना किसी से? अच्छा चलो, एक चीज नहीं पता है तो पहले जान लो, चलो सीख ही लो, सीख रहे हो तो सीख लो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाएंगे तब देखते। तो देखो भाई, पहला डिसाइड ये करना है एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। इधर से भी ऐसे फोर्स लग रहा है, इधर से ऐसे, तो एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा। तो पहला काम हमारा हो गया, दिस इज आवर। अच्छा 20 न्यूटन है, 37 इसका कंपोनेंट बनाते हैं, क्या होगा? 20 cos 37 डिग्री, कोई दिक्कत है क्या? और इसका कंपोनेंट क्या होगा? 20 sin 30, कोई दिक्कत? ये इसका कंपोनेंट क्या होगा? 10 cos 53 डिग्री, और इसका वर्टिकल में क्या होगा? 10 sin 53 डिग्री, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक भाई साहब mg लग रहे हैं, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बस अब इक्वेशन बनाना है, n निकालना है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में और कौन कौन सा फोर्स है? 20 sin 37 डिग्री, और भी कोई फोर्स है क्या? इज इक्वल टू, काउंटर बैलेंस कौन करेगा? mg प्लस इस डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स है? 10 sin 53 डिग्री। अब सवाल ये होगा कि सर 37 डिग्री का वैल्यू और कितना है, 53 डिग्री का वैल्यू, हमको पता कैसे चलेगा? तो ये आपको याद रखना है। हम आपको यहाँ पर एक तरीका बता देते हैं कि जब भी 37 का बात करें, 37 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 लिख लेना, और जब तुमसे बात किया जाए कितने का, 53 का, तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5, ये याद रहेगा, तुम वैल्यू निकाल लोगे। साइन बराबर क्या होता है? पी बाई एच, बी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो साइन कितना है? साइन 37, तो पी कितना है यहाँ पर, एच कितना है? अच्छा तो एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 20 × 3/5, कोई दिक्कत? एम कितना है मास, जी कितना बोला हूँ रख लो, 10 + 10 × अच्छा भाई साइन 53, देखो 53 पी बाई एच, अभी पी क्या हो चुका है? 4, और एच क्या है? 5, तो 4/5 × 10, 5×4 = 20, तो n + 12 = 50 + 2, तो n = 8, तो 58 − 12 कितना आ जाएगा? 6, 46। बोलो समझ में आया क्या? इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? नॉर्मल रिएक्शन। अब अगला सवाल खुद से ट्राई कीजिए, एक्सलरेशन निकाल के बताइए कितना। हरी अब एक्सीलरेशन बता दो रे भैया। देखो बना रहे हो, चलो 2 मिनट का टाइम देते हैं, बनाओ।
एक प्रॉपर कॉपी बनाना है फिजिक्स का अलग से, ये नहीं कि उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कर रहे हैं। ठीक है, बेहतर होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी अलग से कॉपी बना लो, नहीं तो उसी में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या है? हाँ, 14 मीटर पर सेकेंड। आइए चेक करते हैं। देखो भाई, अब यहाँ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है? इस डायरेक्शन का जितना फोर्स होगा वो यहाँ हमको डालना पड़ेगा, यस और नो? इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? 20 cos 37 degree प्लस 10 cos 53 degree प्लस मास कितना है इज इक्वल टू 5 और इंटू में, आइए सॉल्व कीजिए। 20 cos 37 का वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ 4/5, वेरी गुड, 4/5 प्लस 10 cos 53 क्या होगा? 3/5, उड़ाइए 2 टाइम्स, उड़ाइए 4 टाइम्स, 16 + 6 इज इक्वल टू 5 ए, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22/5 ए, तो ए का वैल्यू आ गया 4.525 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आया क्या? तुम्हारा 14 कैसे आ गया भाई? मास लिख लो, नहीं किए, समझ में आया कुछ? बढ़िया से, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको, अभी बहुत टाइप का क्वेश्चन है, तो बस बेसिक तैयार कर रहा है। अभी पुली लगेगा, एक मास इधर लटकेगा, एक इधर लटकेगा, ये खींचेगा, वो खींचेगा, बंदर लटकेगा, गाड़ी आएगा, इंक्लाइंड होगा, डाउनवर्ड होगा, बहुत क्वेश्चन करेंगे आराम आराम से। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना रहने देते हैं, है ना? ज़्यादा लोड नहीं लेना है।